आत्म 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 ही है परमात्म। ज्यादा तेज मत बजाइए, हल्की। और अब मैं हमारी इस मात्र आधा घंटे का कार्यक्रम है, इसको बहुत लंबा भी चले तो भी आपको इसमें बहुत रस आएगा। मैं कुछ दृश्य प्रस्तुत करूंगा और वो आपको पहचानना है, और हमारे अनिल जी पूछेंगे। कॉर्डलेस माइक है क्या या लीड का ही ले लो, कोई बात नहीं है। हमारे अनिल जी आपसे प्रश्न पूछेंगे और फिर उनको सीधा पुरस्कृत किया जाएगा। और पुरस्कार कहाँ गए? पिताजी आप आ जाओ, विकास जी के पापा जी, तो उनके हाथ से दिलाएंगे ना। इधर आ जाने दो ना, अरे आने दो ना, अरे आने दो ना, क्या दिक्कत है? अरे वहाँ क्यों बैठे रहने दो, यहाँ बैठाओ ना, क्यों बैठे रहने दो वहाँ। अरे अरे आपने तो वहीं बैठा दिया उनको। अरे पुरस्कार उनके हाथ से दिलाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए मैं शुरू करता हूं। भैया थोड़ा देख लेना आप जैसा, क्योंकि वैसे हमारी टीम अलग चलती है, फिर भी भैया बहुत होशियार हैं ये सब लोग। हे बेटा, तेरी रात्रि की नींद किसने चुरा ली है? अब क्या बात है, मां से भला क्या छिपाना? मां मैं तुझे क्या बताऊं, तू मां है, तू सत्य स्वीकार नहीं कर सकेगी। कैसी बातें करता है, पहले बहुत ही सुंदर बैरागी वर्षा का पहला अद्भुत दृश्य अपने सामने प्रस्तुत हो रहा है। महिला वर्ग के सामने यह प्रस्तुति होने जा रही है, और मैं सबसे पहले हाँ जी बेटा बताओ, आप खड़े हो गए। जम्बू स्वामी बैठो, अभी हमने उत्तर गलत नहीं किया, लेकिन अलग अलग। अनिल जी पूछो, आप बताओ छोटा। हाँ हाँ नहीं, खड़े होके स्पष्ट बोलो, गुसुम सुसुम मत करो। हाँ हाँ जी बोलो। कुंद कुंद और क्या, मुझसे स्पष्ट बोलो ना, स्पष्ट उच्चारण करके बताओ क्या भाव बन रहे हैं, क्या शब्द बन रहे हैं, क्या थीम आई है। हाँ जी बोलो, क्या कहना चाहती हो ये बताओ। हाँ हाँ, बालक कुंद कुंद अपनी मां से वार्तालाप कर रहे हैं, जो
अवस्थाना आत्म ध्याना। अरे स्थाई पे वहीं पर आ जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दृश्य। हमारे सुनील भैया धवल, अनिल धवल और हमारे दीपक भैया, ये तीनों रत्नत्रय हैं और बहुत ही सरल जीव हैं और बहुत अच्छा विधान कराते हैं। स्वर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल भी है और भोपाल में अनिल जी तो प्रतिदिन प्रवचन करते हैं। चलिए एक दृश्य देखिए और ये आपके विधान से संबंधित है, ठीक है। रेडी, हे सेनापति, मेरी तीनों पुत्रियों को बुलाया जा रहा है। नमस्कार पिताजी, नमस्कार पिताजी, नमस्कार। छोटी, पहले तुम बताओ, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जिसके घर में एक कन्या हो उसके सर पर एक लोक जितना भार होता है, और जिसके घर में तीन तीन कन्या हो मानो तीन लोग उसके सर पर रखे हैं। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, बोलो बड़ी तुम्हें कैसा वर चाहिए। पिताश्री, मुझे तो चक्रवर्ती चाहिए, महलों में रहूंगी मैं तो, ठीक है तुम्हारे लिए ऐसा ही वर खोजा जाएगा। मछली, तुम बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए। पिताजी, मुझे ऐसा वर चाहिए जो देश विदेश में घूमता रहे और मुझे घुमाए। छोटी, अब तुम बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए। क्या नादानी करते हो पिताजी, पर चुनना हमारे हाथ का खेल नहीं है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उससे पहले मेरे पति का जन्म हो चुका है। पति चुने नहीं जाते, पति खोजे जाते हैं, और पति खोजे भी नहीं जाते, समय आने पर मिल जाते हैं। क्या बकवास करती है, पिता से जवान लड़ाती है, ये भूल गई कि मैं पिता भी हूं राजा भी हूं। बोल तुझे कैसा वर चाहिए, मुझे उपदेश मत दे। पिताजी, कह दिया ना, भगवान ने जैसा अपने ज्ञान में देखा होगा, मेरे भाग्य में जैसा होगा वैसा पति मुझे मिलेगा। सेनापति, जाओ इस जिद्दी और हठी लड़की की अकल ठिकाने लगा दो। एक लंगड़ा लूला भेड़ा कोड़ी पति से इसका विवाह कराओ। पिताश्री, मैं जिन शासन की छाव में पली हूं, तुम ये धमकी देकर मेरे मुख से असत्य नहीं कहवा सकते। चाहे कूड़ी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, चाहे जो हो, वही मेरे मांग का सिंदूर है, वही मेरी मांग का सिंदूर है, वही मेरी मांग का सिंदूर है। बहुत ही सुंदर बैरागी की वर्षा की छांव। थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण करना है तो एकदम एक शब्द बोल देते हो, उससे थोड़ी पुरस्कार मिलेगा भी आपको। हाँ जी, पूरा डिटेल आपके माइंड में वो पिक्चर बनना चाहिए, वो पिक्चर से आपके मन में क्या चित्त भूमिका बताएगी आपकी। हाँ जी, पुरुष वर्ग पुरुष आएगा क्या हमारे अभय जी। हाँ जी, अभय कुमार जी। हाँ जी, आइए लेकिन कथा के अनुसार माना गया। अच्छा,
क्या मतलब क्या हुआ? किसने? राजा ने। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम बताओ तो पूरा पुरस्कार मिलेगा। अग्रे आदरणीय दीदी का सीधे शादी में जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। राजा बहुपाल उसका नाम था, तीन उसकी बिटिया थी और वो घमंडी था और वो कहता था भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, हमें ही भगवान है धरती की, ऐसा वो कहता था। और आप जानते हो भाग्य में क्या लिखा था? पूरी समझ के विवाह किया और वही कामदेव बन गया और वही आठ कर्मों का नाश करके उसी भव से मोक्ष गए। ये नाम लिखना, अभय कुमार जी का नाम लिखो, अभी दे देना तुरंत पुरस्कार। अरे आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान। बीच बीच में पहली अभी पूछ लेते हैं, अरे चार अक्षर का मेरा नाम, चार अक्षर का मेरा नाम, चार अक्षर का मेरा नाम, चार अक्षर का मेरा नाम। देखने लगता कंगाल, देखने लगता कंगाल, लेकिन मैं हूँ माला माल, लेकिन मैं हूँ माला माल। हाँ जी हाथ उठाइए ऊंचा, बहनों में पूछ रहे हैं। हाँ जी, एक पुरुषों में एक बहनों में। हाँ जी, बहनों में कौन है? चार अक्षर का मेरा नाम। हाँ जी, दिखने में लगता कंगाल। हाँ जी, आप बताइए। मैं हूँ माला माल। हाँ जी, ये क्या चल रहा है? ये क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला आपका नाम। अब कोई बात नहीं, उत्तर हमने गलत नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी आप बताओ। हाँ जी आप बताइए। जीव राजा दो उत्तर। हाँ जी, अब ये आप बताइए। ब्राह्मणियों से सबसे लास्ट में। हाँ, आप बताइए। और मुनिदा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। धर्मपत्नी पंचू सेन जी, बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत अच्छा। ये नाम लिख लो, पुरस्कार का थाना आपके पास यहाँ पर है नहीं क्या? अच्छा, नाम लिख लो आप। तीन तीन हो गए, तीन हो गए। अरे आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान आत्म ध्यान। अरे अष्टकर्म की घनी घटा पर करता हूँ मस्ताना आत्म ध्यान। अरे अष्टकर्म की घनी घटा पर करता हूँ मस्ताना। अब आप नेक्स्ट दृश्य देखिए, थोड़ा सा प्रसन्न रहो। धर्म का नाम ऐसा नहीं है कि आप घर से दुखी आओ घर से और दुखी जाओ, थोड़ा सा मस्त होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा कुछ करने से भी पाप आप नहीं हो जाता, व्यक्ति मूल तत्व ज्ञान समझो और मंदिर में गंभीर तो रहो लेकिन शोक युक्त तो मत होना, इतना ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो हम समझ रहे हैं हम गंभीर हैं और हो रहा हो शोक का पोषण अंदर से, ऐसा नहीं, मस्त थोड़ा सा जिनवाणी है तो आनंद पूर्वक सुनो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हे महाराज, आज रात्रि में मैंने बड़े भयकारी स्वप्न देखे हैं, बहुत ही डरावने स्वप्न देखे हैं महाराज। एक स्वप्न मैंने ये देखा है, हाथी पर बंदर बैठा है, इसका फल क्या होगा महाराज? और एक स्वप्न ये देखा मैंने, चांद में छिद्र हो गए हैं महाराज, इसका फल क्या होगा महाराज? एक स्वप्न मैंने ये भी देखा कि सरोवर बीच में से सूख गया है। हे राजन सुनो, तुमने जो ये स्वप्न देखे हैं
ये कली काल घोर कली काल के परिचायक हैं। तुमने जो ये स्वप्न देखे हैं कि हाथी पर बंदर बैठा है, आगे आने वाले काल में उच्च लोगों पर नीच लोग राज्य करेंगे। तुमने ये जो स्वप्न देखा कि चांद में छिद्र हो गए हैं, पवित्र जैन धर्म में कसाईयों के कारण भेद प्रभेद हो जाएंगे, लोग आपस की कसाईयों के कारण अपना अलग अलग धर्म मानने लगेंगे। और तुमने जो ये स्वप्न देखा कि सरोवर बीच में से सूख गया है, इसका अर्थ ये होगा राजन कि जो धर्म क्षेत्र होंगे वहीं धर्म नहीं होगा, और जो धर्म क्षेत्र नहीं है वहां धर्म होगा। राजन उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और ऐसा भीषण अकाल पड़ेगा कि मां बच्चे का खून पी जाएगी। तुम्हें कल्याण करना हो तो कर लो। हे गुरुवर, तुमने स्वप्नों का फल बताकर मुझ पर अत्यंत उपकार किया है। ऐसी दशा देखने से पहले मैं नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं। चलिए हाथ उठाइए। हाँ जी, जल्दी से चित्रपट को पढ़कर सुनकर बहनों में बढ़ी। हाँ जी, एक ब्राह्मणियों से पूछ लो भाई। एक ब्राह्मणी से हाँ बेटा अभी बताओ। हाँ भाई, और पूरा उत्तर दोगे तो ही मानेंगे। हाँ दूसरी ब्राह्मणी, हाँ कोटा की हमारी बेदी नजर नहीं आ रही। अच्छा ठीक, चलो बोलो। नहीं अभी पूरा, हाँ जी चलो तीसरी ब्राह्मणी। हाँ मुनिराज का ही तो नाम चाहिए। हाँ चलिए बैठिए। हाँ जी चलो, और कौन सी, अब गलत नहीं बताना क्योंकि माइनस मार्किंग। हाँ जी पीछे भाविश्री सबसे पीछे। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, सम्राट चंद्रगुप्त और आचार्य भद्रबाहु। ये सम्राट चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखे थे और भद्रबाहु से उनके प्रश्न पूछे, तो भद्रबाहु ने अत्यंत वैराग्य से प्रेरित होकर उनके स्वप्नों का फल बताया। तब धरती के अंतिम मुकुट बद्ध राजा ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा, और जिसके मंत्री स्वयं चाणक्य थे। भैया नाम लिख लेना, कोई लिखना है नहीं लिखा है। हाँ जी, अरे आत्म ध्यान आत्म एक भूतनी हमने देखी, एक भूतनी हमने देखी। अरे अब आप तो खुद ही कह रहे हैं जो नहीं बोल रहे आप, सब मिलकर बोलिए। एक भूतनी हमने देखी, एक भूतनी हमने देखी। नागिन जैसा उसका काम, नागिन जैसा उसका काम। रहती एक गुफा के अंदर, सब कुछ चढ़कर जाती है। इस नागिन की ऐसी माया, इस नागिन की धर्म से भ्रष्ट कराती है। हाँ जी पुरुष वर्ग में हाथ उठाइए। अरे बहुत सारे लोगों के हाथ उठ रहे हैं। राजीव जी से पूछेंगे हम तो, राजीव जी से पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी राजीव जी, एक चिंपा जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आइए सब आइए, हमारे सुनील धवल प्रधानाचार्य जी पुरस्कार दे रहे हैं। आइए अभय जी भी साथ में आ रहे हैं, आपका भी तो है पुरस्कार। दोनों साथ में जाइए। आधा उत्तर दिया है, आधी बोतल तोड़ो। हाँ जी राजीव जी को, और दो बहनों ने उत्तर दिया था, इधर अपना पुरस्कार लीजिए। हाँ आओ, एक बार किसने दिया उत्तर, जल्दी आओ। हमारे विकास जी की धर्म पत्नी, और एक और दिया था उधर वही। हाँ एक इस गुड़िया ने दिया, और एक ब्रजसेन जी की धर्म पत्नी ने, भाभी जी को। हाँ दीदी की तरफ
बेटे दे देना, बेटे तो दे दे, खड़े होके दे दे। चलिए आगे नेक्स्ट दृश्य देखिए, और ये स्पेशल ब्राह्मी सुंदरियों के लिए स्पेशल। सुनो स्टार्ट। हे पुत्रियो, आखिर ऐसा क्या कष्ट है? कोई शोक है, कोई चिंता है? अरे तुम्हारा जन्म रत्न के महलों में हुआ है, तुम्हारे सौंदर्य से सची इंद्राणी ईर्ष्या करती है। सौधर्मेंद्र स्वयं हमारे दरवाजे पर आता है। एक भाई तुम्हारा कामदेव है और एक भाई तुम्हारा चक्रवर्ती है, फिर भी ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम कभी हंसती नहीं हो, चुपचाप रहती हो? पिताश्री, हम क्या बताएं? तुम भले ही हमारे धर्म पिता हो, भले ही एक भाई हमारा चक्रवर्ती और एक भाई हमारा कामदेव है, तो भी तुम हमारी पीड़ा नहीं मिटा सकते। पिताजी, क्या बात करती हो, बताओ ना तुम्हारी पीड़ा क्या है? पिताश्री, हमारी पीड़ा ये है कि तुम तो इसी भव से मोक्ष चले जाओगे, लेकिन हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम निरंतर उदास रहते हैं। ये हमारी पीड़ा बताओ, ये पीड़ा मिटा सकते हो तो मिटाओ। हाँ जी, ब्राह्मी सुंदरी परिवार बोलिए। एक मिनट, एकदम प्रॉपर उत्तर देना है। हाँ, कौन देगा? हाँ, ये बोलिए। नहीं, क्या उत्तर दो ना, आप तो फटाफट बोल दिया। बुढ़िया रानी ने आप स्पेशल, मतलब क्या हुआ, चर्चा क्या हुई, क्या चर्चा हुई, ये घटना क्या है, प्रॉपर रूप से घटना बताइए। चलो कोई बात नहीं, बता नहीं पाली बुढ़िया। हाँ बोलो, सुनिए। हाँ, माइक ले लो बेटा, माइक ले लो। हाँ बोलो। राजा ऋषभदेव अपने ब्राह्मी सुंदरी कन्या से पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, तो वो उत्तर देती है कि मेरा भाई चक्रवर्ती है और एक भाई कामदेव है, तो वो तो इस भव से मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन हमें तो चक्रवर्ती की परिक्रमण करना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है कि हमें हमें भी विद्या सीखनी है, तो फिर राजा ऋषभदेव उनको अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाते हैं। काफी सही है उत्तर, मतलब ऐसा ग्रंथों में आता है ब्राह्मी सुंदरी इतनी शीलवान थी और इतनी बैरागी थी कि अपने जीवन में कभी नहीं हंसी, हंसी नहीं। तो राजा ऋषभदेव अचानक उनके महल में पहुंच गए और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। तब वो ये कहती है कि आप तो इसी भव से मोक्ष चले जाओगे, लेकिन हम इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे, ये सोच सोच कर हम उदास रहते हैं। ये उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। आइए बुढ़िया, अरे आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, जरा झूम जाइए एक बार। अरे अष्ट कर की गति का पर आत्म है मस्ताना, आत्म ध्यान, अरे अष्ट कर की गति का पर आत्म है मस्ताना, आत्म ध्यान। देखिए थोड़ा सा कठिन है, और जो स्वाध्यायी है वो उत्तर दे पाएंगे इसका। देखिए स्टार्ट। महाराधिराज की जय हो। हे महाराज, हमारे महाराज का आदेश है, हमारे महाराज के चरणों में जाकर नमस्कार करो, वरना तुम्हारी नगरी में आग लगा दी जाएगी और तुमको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। हे दूत, मैं दूत को मारकर अपयश नहीं कमाना चाहता, यदि तू इतना उद्दंड है, मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे घुसने नहीं देता, लेकिन मैं दूत को मारकर अपयश नहीं कमाना चाहता। जाओ अपने राजा से कहना
जैसे भोरा पागल होने पर भी फूल पर ही बैठता है, गधे की पूंछ पर नहीं बैठता, उसी प्रकार ज्ञानी संकट आने पर भी सच्चे देव गुरु धर्म को ही नमस्कार करते हैं, खोटी जगह नमस्कार नहीं करते। बताइए, हाथ उठाइए। हाँ जी, पुरुष वर्ग के समूह में संवाद है। हाँ, पुरु पहले तो फिर लखनऊ वाले भाई साहब से पूछ। हाँ जी, लखनऊ वाले। हाँ जी, राजा सिंहोदर ने वज्र करने के लिए संदेश दिया था। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाते हैं। नाम पूजा करो आपका है? नाम पूजा करो वीरेन। हाँ जी, वीरेन जी हमारे लखनऊ से बहुत ही हमारे आश्रम में भी पधारते हैं, अच्छे साधर्मी जीव हैं। और पहली साल जब हमारा कार्यक्रम हुआ था तो आपने एक कन्या शायद गोद ली थी। हाँ, एक कन्या भी गोद ली थी आपने, बहुत अच्छा। सुन लो पहले ये घटना, आप पुरस्कार प्राप्त कीजिए। अरे ऐसा तो नहीं होता है, ये लो। और कितने भारी भारी हैं, अच्छी चीज है, कैसे थोड़ी है ये क्या था? एक राजा सिंहोदर था, जैसे पाकिस्तान छुटपुट घटनाएं करता रहता है ऐसे ही उद्दंड करता था वो। लेकिन दुर्जनम प्रथम बंदे, इस काल में सज्जन की कोई नहीं पूछता, सज्जन हार जाता है क्योंकि सज्जन कसाई नहीं करना चाहता। तो उस सिंहोदर ने वज्र कर्ण को बंदी बना दिया, तो उसके अधीन राजा हो गया। और जैसे रूस है वो यूक्रेन पे दादागिरी कर रहे हैं, भारी हाहाकार मचा हुआ है। अरे उसको भी जीने दो, शांति से उसको भी जीने दो, सब राज करो, एक दूसरे पे राज क्यों करना चाहते हो? हुआ ये तो वज्र कर्ण को प्रतिदिन उसे नमस्कार करना पड़ता था। वो सत्य विश्व में पारंगत था राजा सिंहोदर, और खोटे देव गुरु धर्म को मानता था। तो वज्र कर्ण का कलेजा जलता था कि इस पापी को नमस्कार करने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाता। तो उसने बचने के लिए अंगूठी में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा लगाई छोटी सी। यद्यपि ये छल है तथापि घटना तो घटना है, तो डेली नमस्कार करे तो ऐसा करे। एक दिन ये छिद्र सिंहोदर को मालूम पड़ गया, तो उसने अपना दूत भेजा कि तुमने हमारे महाराजा के साथ छल किया है, जाकर उन्हें नमस्कार करो वरना तुम्हारी सारी नगरी में आग लगा देंगे। तो वज्र कर्ण ने मना कर दिया कि चाहे जो करना है करो, मैं नमस्कार नहीं करूंगा। तो पूरी नगरी में आग लगा दी और वज्र कर्ण को कैद में डाल दिया। और वहां से राम लक्ष्मण सीता निकल के गई, तब एक बूढ़ी माँ रो रही थी। तो राम ने पूछा, माँ तू क्यों रोती है? कि दुनिया में कोई न्याय करने वाला नहीं है, इसलिए रोती होंगे। बोले क्या हुआ? कि महासज्जन वज्र कर्ण को कैद में डाल दिया है। तब राम लक्ष्मण ने युद्ध से में जीत कर वज्र कर्ण को पुनः राज दिला दिया। ये पद्म पुराण की घटना। अरे आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म सुनो, नेक्स्ट दृश्य देखिए। आधी रात का समय, सब आ जाओ चुपचाप, सभी साथी आ जाओ, पहरेदार सब सो गए हैं, धीरे धीरे आ जाओ। आज इस घर में बहुत माल मिलेगा, विवाह हुआ है, विवाह
सोना चांदी खूब मिलेगा। चुपचाप धीरे अच्छा धीरे से सभी अच्छा चलो इसी कमरे में चलते हैं। ठहरो बदबू ठहरो ये क्या अरे धिक्कार है मेरी इस खोटी परिणति को धिक्कार है। जिस महापुरुष के घर में मैं चोरी करने आया हूं ये महापुरुष तो सर्वांग सुंदर कन्याओं को छोड़कर प्रातःकाल नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने वाला है। इस महापुरुष से क्षमा मांग लेना चाहिए। हे राजन हमें क्षमा करो मुझे क्षमा करो। हे बंधु तुम कौन है और आधी रात में यहां क्यों आए हो और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। राजन आज हम तुम्हारे महल में चोरी करने आए हैं। तुम्हारी इस परिणति को देखकर मुझे प्रायश्चित हो रहा है और मेरे प्रायश्चित का फल दो मुझे मुझे दंड दो। हे भव्य कोई किसी को दंड और पुरस्कार नहीं देता तुम स्वयं अपने लिए दंड चुन लो। कि राजकुमार अस्वीकार तो नहीं करोगे कि नहीं जब तुम प्रातःकाल दीक्षा लोगे तो मैं भी सात से चोरों के साथ नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करूंगा। चलिए भैया जी किसका नंबर है। हाँ जी पुरुष वर्गत है पुरुष को जगाने वाला ये दृश्य आपने सुना है और बहनों के इधर पुरुष तन भावी उठा रही क्या हाथ है। हाँ बहुत अच्छा चलिए बहुत महिला वर्ग की तरफ से हाँ महिला वर्ग से हाँ जी सबसे शांति शांति आइए आगे आइए थोड़ा सा पूरा पूरा उत्तर हाँ जम्बू स्वामी और आगे आगे आइए जम्बू स्वामी आधा उत्तर दी तो मतलब पूरी पूरी बात बताओ। हाँ जी पता तो है पर पता नहीं नहीं होगा कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी आप बताइए। हाँ जम्बू स्वामी और विद्युत चर चोर जम्बू स्वामी इतने बैरागी थे कि मथुरा की सर्वांग सुंदर चार कन्या उनको चाहती थी और उन्होंने अपने पिता से कहा कि हमारा इनसे विवाह नहीं किया तो गोली खा के मर जाएंगे हम आत्महत्या कर लेंगे। तो उनके पिता उनके पास गए कि हमारी कन्याओं से विवाह कर लो। तब उन्होंने ये कहा कि भाई हमें राग नहीं है। बोले तुम भले ही कल को दीक्षा ले लेना लेकिन आत्महत्या से तो बच जाएंगे हम। तो उन चारों कन्याओं ने विवाह किया और रात्रि में भोग सैया में सामयिक कर रहे जम्बू स्वामी और ये परिणति देखकर वो कन्या आश्चर्यचकित रह गई। इधर चोर चोरी करने आया महल में और वो दृश्य देखकर प्रातःकाल चारों कन्याओं ने और 700 चोरों ने जम्बू स्वामी के साथ नग्न दिगंबर दीक्षा पुरस्कार दीजिए। अरे आत्म ध्याना आत्म ध्याना आत्म बता तो देंगे नाम जो बताएगा उसी को पुरस्कार मिलेगा ये याद रखना। सुनिए वैसे तो हजारों घटनाएं हैं कितनी है आप सारी रात सुनते रहे ये प्रथमा युग का सार एक एक कथा का सार प्रस्तुत है आपके सामने। अरे अरे धिक्कार है मेरे चक्रवर्ती बने को हजारों बरस से मुझे मेरी कन्या नहीं मिली। अरे रे मिली तो आज ऐसी दशा में मिली इसको अजगर खा रहा है दुष्ट अभी रूप एक तीर से तेरे प्राण तमाम करता हूं मैं। नहीं पिताश्री नहीं पिताश्री नहीं इसके प्राण लेने
हरने पर भी तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। पिताश्री मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो संलेखना अंगीकार कर चुकी हूँ। इसको अभेदान दो, इसको अभेदान दो और मुझे आत्म कल्याण करने दो। हाँ बोलो, चलो तिलक तिलक के नाम है कन्या, क्या पूरा नाम बता माई। अजगर जो कन्या ले रहा था अंदर, उनका नाम अनंतर है। आधा आधा उत्तर है, आप बोल चाहिए। लेकिन बालक है इसकी प्रोत्साहन तो करो जोरदार, पुरस्कार तो मिलेगा। हाँ अब पूरा उत्तर कौन दे रहा है, व्यवस्थित उत्तर बहनों में। हाँ जी पीछे से बोल। तुम तो क्या पढ़ती हो, मेरी समझ में नहीं आता आज मैं। हाँ जी बोलिए। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं तो सोच रहा हूँ सभा में उत्तर दे नहीं पाएगा, आपने लाज रख ले। चक्रवर्ती राजा भवानंद, ये विदेश क्षेत्र की घटना है और उनकी कन्या जो थी उसका नाम था आनंदधरा, और अभेदान के कारण और 3000 वर्ष तक जंगल में रही। चक्रवर्ती अपनी कन्या को नहीं खोज पाए, हम तो क्या चीज है, और स्वर्ग गई और वहां से आके लक्ष्मण की पत्नी बनी। ये नाम लिख लेना, हाँ बाद में विशल्या बनी, नाम लिख लेना भी। दो उधार दोगे भी या तीन दोगे, तीन अच्छा चलो। एक अंतिम और पूछ रहे हैं, 10 बज रहे हैं, आपको भी तो घर जाना है और सुबह विधान में जल्दी आना है। अरे आत्म ध्यान बेटा। ये और कोई नहीं तेरे इसी जन्म के सगे पिता है, सगे पिता। तेरी माता ने एक मुनिराज ने ये कहा, जिस दिन तू अपने पिता को मुनि रूप में देखेगा उसी दिन तू मुनि दीक्षा धारण कर लेगा, इसलिए तेरी माँ ने नगर में मुनियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये मुनिराज को धक्का मार के निकाला जा रहा है, बेटा तेरे पिता है ये तेरे पिता, इसलिए मैं रो रही हूं। अहो ये ममता भी कितनी पिशाचनी होती है। अरे रे मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, जो इस नगर के राजा मेरे पिता रहे हो और आज उनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। मां को कह देना उनकी ममता कभी पूरी नहीं होगी, मुझे आज ही अभी इसी समय पिता के चरणों में नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करना है। चलिए भैया हाथ उठाओ, इसका नंबर है नहीं जी बहुत स्वर्ण नीरज जी। नीरज जी, नीरज जी देंगे उत्तर, बहुत बढ़िया। आइए नीरज जी, नीरज जी पूरा उत्तर चाहिएगा, आप तो विद्वान आदमी हो।
हाँ जी नीरज जी आइए। हाँ जी बोलिए। राजकुमार सुभूषण ठीक है, चर्चा क्या है पूरा व्यवस्थित बताओ। महापुत्र के बीच में चर्चा चल रही है कि वो उनको बता रहे या दासी के साथ तरफ में चर्चा चल रही है एक्चुअली में तो कि वहाँ पे मुनिराज को उन मुनिराज का नाम क्या है आपकी तो ये बात है। हाँ कोई बात नहीं है, नीरज जी ने इतना प्रयत्न किया है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हाँ हाँ जी, और पुरुष वर्ग में कोई है क्या? हाँ जी बस हमारे वज्र सेठ जी साहब उत्तर देंगे। आइए। बहुत बढ़िया, आज तो सबका ही नंबर आ गया। कौशल कौशल जो है नाम बताते कि मुनिराज थे, कौशल मुनिराज और उनके पुत्र जो कौशल थे। नहीं, सुकौशल उनके बेटे का ही नाम है और पिता का नाम अलग है, फिर भी आपने हिम्मत की है उत्तर देने की, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। उत्तर अभी प्रॉपर नहीं आया है, बहनों में ट्रांसफर होता है। हाँ जी बहनों में, आप बताइए। हाँ, कीर्ति धर्म मुनिराज और सुकौशल जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे और इनका भी नाम लिख लीजिए भैया, कोई लिख रहा है नहीं? नहीं लिख रहा है। ठीक है भैया, बस खत्म करें और कुछ एक तो अंतिम, मनीष जी अंतिम बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। घर जाके क्या करोगी? 9 से 12 का शो देखने जाते हैं सिनेमा में, 100 जूते खा लेकिन मैं वो डायरी कमरे में ही भूल जाए, जितनी का मैं आपको ये बिंदु बता रहा हूँ इनके पूरे प्रॉपर रूप से सारे के सारे भजन हैं। अब अंतिम, इसके बाद आप कहोगे तो भी मैं नहीं बोलूँगा। हाँ और क्या क्या समझ लिया? अरे ये कौन है, बड़ा बना फिर रहा है धर्मी, मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ दी और अब आत्म ध्यान कर रहा है, अभी मजा चखा था उन्हें सब। इसके सिर पर आग लगाता हूं तब देखता हूं कितना बड़ा धर्मी बनता है। अहो जंगल में कौन उकाई आया है, ये जंगल में कौन उकाई आया है? लोग तो बिवारे में सेहरा पहनाते हैं, ये जंगल में मुझे मुक्ति का सेहरा पहनाने के लिए आया है, मुक्ति का सेहरा पहनाने के लिए आया है। चलिए हाथ उठाइए जी। हाँ जी हाँ जी भैया महाराज जी। हाँ बोलो बोलो। आओ बहुत बढ़िया, पारस से उत्तर दे रहे हमारे, बहुत गर्वट है हमारे कार्यकर्ता बहुत ही। हाँ गज कुमार मुनिराज पर सिंदी जलाई, किसने जलाई? यही तो चक्कर हो रहा है, है? तो ससुर का नाम अकेला ससुर था क्या? ससुर का नाम तो बताओ मुझे, तब तो पुरस्कार मिलेगा, भले ही पुरस्कार आप बांट दे तो मिलेगा तभी आप। हाँ जी चलिए आप बता दिए, लेकिन आधा उत्तर दिया है जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। हाँ जी विनोद जी तो विद्वान आदमी है, प्रवचन करते हैं, ये तो उत्तर दे ही देंगे, सारे उत्तर पता है विनोद पंडित जी को, हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, सारे उत्तर मालूम है, खेल आगे प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं, विद्वानों से थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ जी चलो ब्राह्मी सुंदरी। हाँ जी ब्राह्मी सुंदरी। हाँ जी कोटा नरेश। नहीं कोई नहीं, बहनों में भी कोई नहीं, हद हो गई, जुलम हो गया। हाँ हाँ जी सोमिल, सोमिल से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जबरदस्त उत्तर दिया। सोमिल सेठ की कन्या थी और
जिससे उनका विवाह हुआ, गजकुमार कामदेव जैसे थी और नेमी नाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने गई। जब उन्होंने कहा कि 12 वर्ष द्वारिका जलकर नष्ट हो जाएंगी, तब उनको इतना वैराग्य आया तो मैं क्या करूंगा विवाह कराकर, और इतने खूबसूरत थे कि शहर में से निकल जाए तो हल्ला मच जाए, इतने खूबसूरत थे उनके देखने के लिए भीड़ लगती थी उनको। और वैराग्य आया तो ऐसा आया कि शरीर धू धू करके जला और अंतकृत की बली बनी, 8 कर्मों का नाश करके सीधे सिद्ध सलाह होता। इस तरह से समय पर्याप्त हो रहा है सिद्ध चक्र विधान। हाँ, अच्छा, हाँ ये पंडित जी साहब एक विशेष बात बता रहे हैं, भाई साहब आज बोलो। उसी दिन दीक्षा हुई, उसी दिन केवल ज्ञान हुआ और उसी दिन निर्वाण हुआ। तो क्या है, अंतःकृत केवली को केवल ज्ञान के अंतर मुहूर्त में ही निर्वाण हो जाता है। और ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा हमारे विनोद जी भाई साहब फरमा रहे हैं बहुत जोरदार ताली बजा के। इस तरह से अभी समय हो गया प्रातः काल, आप जल्दी आना, आप तो उठो आप।